हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर डिस्कस द काइमोट्रिप्सिन। मेनली जो आपका काइमोट्रिप्सिन है वो होता क्या है? काइमोट्रिप्सिन मेनली सिंथेसाइज होता है आपका पैनक्रियास के अंदर, जो कि फॉर्म होता है आपके प्रीकर्सर से काइमोट्रिप्सिनोजन। जो काइमोट्रिप्सिनोजन है ये क्या एक जाइमोजन है, जो कि एक इनएक्टिव प्रीकर्सर होता है। इसके अंदर जब कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं उसके बाद आपका क्या फॉर्म होता है? काइमोट्रिप्सिन। ओके, यानी कि काइमोट्रिप्सिन के फॉर्मेशन के लिए आपको ज़रूरी है काइमोट्रिप्सिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव प्रीकर्सर है। एंजाइमेटिकली ये इनएक्टिव होता है और जब ये एक्टिव होगा तभी जाके आपका जो एक्टिव एंजाइम फॉर्म होगा। ठीक है, एक्टिव काइमोट्रिप्सिन जो जनरेट होता है मेनली क्लीवेज ऑफ थ्री पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जो आपका ये काइमोट्रिप्सिनोजन है इसके अंदर तीन पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। उनके क्लीवेज होने के बाद आपका जो फॉर्म होगा वो होगा आपका काइमोट्रिप्सिन। ओके, तो आपका जो काइमोट्रिप्सिन है अब उसका काम क्या, हम उसको क्यों फॉर्म कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है उसकी पैनक्रियास के अंदर? उसका क्या काम है कि ये हाइड्रोलाइज करता है आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स को, यानी कि आपकी प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी जो शो करता है वो है आपका काइमोट्रिप्सिन। ओके, तो आपके हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा पेप्टाइड बॉन्ड्स का वो अभी देखते हैं। मेनली ये जो सिलेक्टिव होता है जो आपका काइमोट्रिप्सिन है, जैसे कि हर किसी का काम एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर सिलेक्टिव है, ऐसे ही आपका जो एंजाइम्स है उनका काम भी स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स के लिए क्या है, स्पेसिफिक है। मान लो ये आपका जो ये काइमोट्रिप्सिन है ये किसके लिए काम कर रहा है, आपके प्रोटीन्स के लिए, यानी कि जो आपके प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी है उसको क्लीव करने का काम करता है, यानी कि आपके डायरेक्टली एमिनो एसिड्स के ऊपर काम कर रहा है। तो ये सिलेक्टिव होता है कुछ एमिनो एसिड्स के लिए जो कि एरोमेटिक हो और लार्ज हाइड्रोफोबिक साइड हो जिनके पास। ठीक है, तो वो आपके कौन कौन से एमिनो एसिड्स होते हैं? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन एंड मिथ्योनिन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स हैव दी एरोमेटिक रिंग और लार्ज हाइड्रोफोबिक साइड चेन। ओके, तो इनके अंदर क्या करता है ये जो आपका काइमोट्रिप्सिन है वो क्लीवेज शो करता है, इनकी जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको क्लीव करता है एट द कार्बोक्सिल साइड, यानी कि सी टर्मिनल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ दिस आर वर्क काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन का काम कहाँ पे होता है? सी टर्मिनल ऑफ दीज एमिनो एसिड्स। ये कैटलाइज कर सकते हैं, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड को तो कैटलाइज कर ही रहा है, इसके साथ साथ ये एक और चीज़ कैटलाइज कर सकते हैं, यानी कि हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं आपके एस्टर बॉन्ड्स का भी। अब देख लेते हैं कि जो आपका काइमोट्रिप्सिन है वो कैसे आपकी जो प्रोटोलाइटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो कैसे फॉर्म कर रहा है। तो आपका जो काइमोट्रिप्सिन है वो एक सेरिन प्रोटीएज होता है, यानी कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जिसके पास एक्टिव साइट के अंदर सेरिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो ये सेरिन है इसके साथ साथ आपका क्या है, हिस्टिडीन और एस्पार्टिक एसिड फॉर्म है, एस्पार्टिक एसिड भी मिले हुए हैं, यानी कि जो आपका सेरिन है इसके साथ साथ आपका हिस्टिडीन और एस्पार्टिक एसिड है। अब ये तीनों क्या बनाते हैं, एक चार्ज रिले नेटवर्क बनाते हैं जो कि इस कैटालाइटिक ट्रायड को फॉर्म करती है। ठीक है, कैटालाइटिक ट्रायड का मतलब क्या है कि ये जो कैटालाइटिक रिएक्शन हो रही है वो इन तीनों की वजह से हो रही है। चार्ज रिले नेटवर्क का काम क्या है कि यहाँ से कोई अगर चार्ज है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इस पर, फिर उसके बाद वो जाएगा सेरिन के पास। ठीक है, तो मेनली जो आपका चार्ज का जो ट्रांसफर्स होता है, यानी कि जो चार्ज रिले सिस्टम चलता है, जो आपकी प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी शो चलती है वो आपके सेरिन से स्टार्ट होती है, देन हिस्टिडीन एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी, यानी कि अगर आप एक बंदा यहाँ पे खड़ा कर दो तो वो क्या करेगा, हिस्टिडीन के पास जाएगा, हिस्टिडीन के पास जो खड़ा हुआ है बंदा वो किसके पास जाएगा, आपका एस्पार्टिक के पास। ठीक है, तो ये एक चार्ज रिले नेटवर्क चल रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ओके, तो ये था आपका काइमोट्रिप्सिन के बारे में। और एक और बात तो याद रखनी है आपको यहाँ पे, जो आपका काइमोट्रिप्सिन की जो एक्टिविटी है उसको जो ब्लॉक कर देता है, यानी कि जो इनएक्टिवेट कर देता है उसके एंजाइम्स को, बाय अटैकिंग एट देयर सेरिन साइट। सेरिन कहाँ प्रेजेंट है, आपका एक्टिव साइट्स के ऊपर प्रेजेंट है। एंजाइम इनिबिशन के अंदर मैंने बताया भी था कि जो आपके एक्टिव साइट्स होती है वहीं पे जाके आपका इनिबिशन जाके बाइंड होता है।
तो आपके एक्टिव साइट्स पे कौन प्रेजेंट है? सेरीन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आके आपका इनहिबिशन बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उसकी एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है. तो वो कौन है ऐसा आपका एंजाइम है जो कि इसको, यानी कि जो इनहिबिटर है वो कौन है आपका? DIPF. DIPF की फुल फॉर्म जो होती है वो है आपकी डाई आइसो प्रोपाइल फोस्फोफ्लोरिडेट. ठीक है, ये है आपकी DIPF की फुल फॉर्म जो कि इनएक्टिवेट कर देता है इस एंजाइम को, हमारे काइमोट्रिप्सिन को. तो ये था आपका पूरा छोटा सा काइमोट्रिप्सिन जो कि कंप्लीट हो चुका है. और अगर आपको लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक शेयर कमेंट. ठीक है, थैंक यू टू ऑल.